सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूँ जो कि रियलिस्टिक आइज़ और रियलिस्टिक नोज़ पे है कि हम कैसे रियलिस्टिक नोज़ और आइज सेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने अच्छी तरह से बहुत फुल कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताया है। तो यदि आप रियलिस्टिक स्केच बनाना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखिएगा और मेरे इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मिस करेंगे तो आपको वीडियो नहीं समझ में आने वाली है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा। सो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया है इस आईज और नोज़ बनाने के लिए, मैंने कुछ इस तरह से किया है। आप देख सकते हो जो पेयर में दोनों एक ही ग्रेड की पेंसिल है और नीडेड इरेजर, ब्रश और यह टूसी पेपर जो ब्लेंडिंग के लिए। सो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने जो मैंने पेपर यूज़ किया उसका थोड़ा टेक्स्चर रफ है जो कि हमारा और भी रियलिस्टिक बनाता है हमारा स्केच को। तो जब भी आप अगर स्केच करें तो अगर रफ पे करेंगे तो अच्छा इफेक्ट आएगा। ऐसा नहीं कि स्मूथ इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन रफ में मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने टेप को फिक्स कर दिया है और आपको बता दूँ मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा टिल्ट रखा है क्योंकि हमारा कैमरा उस तरह का नहीं कैप्चर कर पाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं स्केच को सेट करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो यहाँ पर मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जो कि HB पेंसिल है। तो अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल ना हो तो आप पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल जो वुडन हुक की होती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड कि मैं यहाँ पे जो पेंसिल से अप्लाई कर रहा हूँ प्रेशर देके, वो मैं जहाँ पे आउटलाइन है उसी को दे रहा हूँ अभी प्रेशर से थोड़ा, क्योंकि इसीलिए हमें वो ज़्यादा हाईलाइट दिख रहा है। तो अगर आप लाइनिंग वाले करें तो ही वहाँ पर प्रेशर दे कर अप्लाई करें, वरना जहाँ पर फोटोग्राफ में अगर आपका ना हो वहाँ पर लाइन, तो वहाँ पर आप बिल्कुल इतना डार्क करके ना करें। यहाँ पे मेरा लाइनिंग था इसीलिए मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ और फिर बाद में शेड करूँगा तो इसे मिक्स भी कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैं फर्स्ट लेयर दूँगा वो नॉर्मल अप्सरा की पेंसिल से ही दूँगा, और यहाँ पे आईब्रोज मैं पहले से ही कर दे रहा हूँ ताकि जो हमारा जब हम मिक्स करें तो हमारा जो आउटलाइन आईब्रो का वो गुम ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पर आईब्रोज पहले से ही कर दूँगा। क्योंकि आईब्रोज को फर्स्ट लेयर हम HB से ही देते हैं तो हमारा एक साथ दोनों काम हो गया कि हमारा आईब्रोज का लाइन गुम ना हो जाए और आईब्रोज का फर्स्ट लेयर भी हमने दे दिया है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे आँख के आसपास के एरिया को हम इसी पेंसिल से सेट करेंगे फर्स्ट लेयर, और जो बीच में पूरा होता है ब्लैक पार्ट उसको हम पूरा अच्छी तरह से ब्लैक नहीं कर देंगे, उसको भी प्रेशर दे के जहाँ जहाँ पर ज़्यादा डार्क होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम उसे प्रेशर दे के अप्लाई करेंगे। उसमें भी ये नहीं कि पूरा ब्लैक है तो उसको हम पूरा ब्लैक कर देंगे, उसमें भी अच्छी तरह से डिटेल देखेंगे आँखों में कि किस तरह का आँखों में टेक्स्चर है। सो देख सकते हैं, फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ ब्लेंडिंग टूल से जो कि मेकअप ब्रश है। दोस्तों, अब यहाँ इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ करके जो कि मैकेनिकल पेंसिल है उसको अप्लाई करूँगा बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे ज़्यादा डार्क देखा प्रेशर हमने फर्स्ट बार अप्लाई किया था, और अच्छी तरह से फोटोग्राफ में भी देख रहे हैं कि वहीं वहीं पे ज़्यादा डार्क है तो वहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस पेंसिल को, और वो भी ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं, हल्के हल्के ही ताकि वो अच्छी तरह से हमारा हो। और आप देख सकते हैं जो आइज़ के नीचे जो वाइट पैड दिख रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे नीडेड इरेजर दे रहा हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आइज़ के नीचे जो वाइट पार्ट है उसके लिए मैं इस तरह से इरेजर को कट करके वहाँ पर अप्लाई कर दूँगा जिस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से इस तरह से आपका रियलिस्टिक स्केच की तरह बिल्कुल रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से आपको एक एक चीज़ आप अच्छे से बिल्कुल एब्जॉर्ब करना होगा रियलिस्टिक के लिए कि आपको क्या क्या दिख रहा है फोटोग्राफ में उस तरह से, और नीडेड इरेजर लगाते जाना है जहाँ पे हाईलाइट दिखेगा और उसको ब्लेंड कर देना है। और दोस्तों, मैंने आई लेसेस के लिए पेंसिल को अच्छी तरह से साफ करके 5B और 6B को वहाँ पर अप्लाई कर दिया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड आइज को भी मैंने उसी तरह से फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर करके दूँगा, पर हाईलाइट की जगह पे मैं बस उस तरह नीडल इरेजर और पेंसिल इरेजर का यूज़ कर लूँगा। तो आपके पास अगर ना हो तो आप ये ले लें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ही रियलिस्टिक स्केच में। उन सभी का मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन के में दे दूँगा तो आप वहाँ से देख लेना। तो फ्रेंड, हमारा आइज़ कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पे नोज़ को देंगे। तो नोज़ के लिए सबसे पहले आप फिर से वही प्रोसेस की, सबसे पहले आप जब भी यूज़ करें तो HB पेंसिल का ही यूज़ करें, उसके बाद ही अब डार्क जाएँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटोग्राफ को अकॉर्डिंग में सबसे पहले उस डेप्थ को गेन कर रहा हूँ जो आप मुझे फ़ोटोग्राफ में दिख रहा है। तो सबसे पहले डेप्थ को ही हमें गेन करना है, उसके बाद हम लेयर वाइज करके एक एक चीज़ को ऑब्जॉर्व करके उसके बाद देंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं जो बीच में हाईलाइट दिख रहा है उसको मैं पहले ही उसको छाट दूँगा, मीन्स कि वहाँ पर जब मैं सेड कर रहा हूँ तो वहाँ पर पेंसिल को अप्लाई नहीं करूँगा उस हाईलाइट एरिया को।
तो अब देख सकते हैं मैं कैसे पेंसिल को ले डाउन करके उसको अप्लाई कर रहा हूँ फर्स्ट लेयर, बहुत हल्के हल्के हाथों से। तो इसी तरह से आपको भी करना कि और उसके साथ साथ आपको डार्क और डेप्थ भी देखते रहना है। तो वहाँ पे अगर आए तो थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर आप उंगलियों से दे दें ताकि वहाँ पे जब हम करें तो डार्क इफेक्ट आए। और यहाँ पे मैं ज़्यादा लार्ज एरिया था तो यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने आँखों के पास नहीं किया था, ये भी ध्यान देना है कि वहीं पे करें जहाँ पे हमें ज़्यादा मिक्स ना होने का चांस हो। तो अगर हम आँखों पास करते ब्लेंडिंग टिश्यू पेपर से तो हमारे आँखों का बहुत ही डिटेलिंग मिक्स हो जाता, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे नहीं किया था। और यहाँ पे मैंने कर रहा हूँ फर्स्ट लेयर के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी डिटेलिंग कुछ दिया है नहीं मैंने। फर्स्ट लेयर बिल्कुल हल्के हाथों से देने के बाद यहाँ पे मैं सेकंड लेयर थोड़ा सा प्रेशर दे उसी पेंसिल से दे रहा हूँ। और ये इतना हो जाने के बाद अब मैं यहाँ पे 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे नोज़ के नीचे डेप्थ थोड़ा दिख रहा है, ज़्यादा ब्लैक टाइप है, तो इसलिए मैं वहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और उसको ब्लेंडिंग टूल से मिक्स कर दे रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर का के बदले में यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम का भी यूज़ किया थोड़ा सा। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हाईलाइट है नोज़ के पास उसको मैं इरेजर से हाईलाइट अच्छी तरह से गेन कर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं उसको मिक्स भी कर दूँगा। तो फ्रेंड्स आपको यही प्रोसेस बार बार दोहराते रहना है जब तक आपका ना लगे कि रियलिस्टिक आ गया। तो वहाँ पे आप हाईलाइट और वहाँ पे जहाँ पे डार्क वहाँ पे एक लेयर अप्लाई करके उसको अच्छे तरह से मिक्स करके बार बार करते रहना है ऐसे। इससे आपको बार बार खुद से आइडिया आ जाएगा कि हमारा जो स्केच है वो रियलिस्टिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर ज़्यादा डार्क होगा तो उसके लिए थोड़ा सा आप अप्लाई करके पेंसिल हल्के हाथों से उसको मिक्स कर देंगे, और ज़्यादा हाईलाइट के लिए फिर उसको बीच में हम इरेजर का यूज़ करके उसको हाईलाइट दे देंगे। जैसे देख रहे हैं मैं बार बार उसी प्रोसेस को कर रहा हूँ रियलिस्टिक बनाने के लिए। तो यही प्रोसेस है, आप और भी रियलिस्टिक बना सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नोज़ के नीचे एक हाईलाइट दिखता है आपको जो कि वाइट कलर से, तो उसके लिए मैं यहाँ पे पेंसिल इरेजर से उसको लाइनिंग कर दूंगा रियलिस्टिक बनाने के लिए। और आप देख सकते हैं जो नोज़ का जो फूला हुआ पार्ट होता है उसके लिए मैं यहाँ पे इरेजर अप्लाई करके उसको ब्लेंड कर दूंगा, इससे हमारा और भी ज़्यादा रियलिस्टिक इफेक्ट आएगा। तो 3D मतलब यही होता है कि आपको थोड़ा सा हाईलाइट और डार्कनेस का अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ता है। तो यही से हमारा नोज़ और आइज़ रियलिस्टिक बन सकता है फ्रेंड। तो आपको अच्छी तरह से टाइमिंग देना होगा अपने वर्क पे, तभी आपका हो जाएगा, और पेशेंस तो बिल्कुल रखना ही होगा तो ही आपका बनेगा। तो यही था फ्रेंड इसमें हमारा, देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरह से नोज़ और आइज़ बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है, बिल्कुल फोटोग्राफ की तरह। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं इसको अगले पार्ट में पूरा कम्प्लीट करूँगा, सो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।